आलू व्यवसायी समिति की हड़ताल की वजह से बाजार में आलू की कीमत बढ़ती जा रही है। ऐसे में बुधवार को राज्य सरकार की ओर से आलू व्यापारियों के साथ बैठक बुलाई गई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को आलू की जमाखोरी रोकने तथा हिमघरों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आलू ठीक ठाक नहीं, आलू पाँच दिन धरे टोटाली बंद रही है कोल्ड स्टोर और जे आलूगुलो रही ठीक ठाक ना एवं प्राय दाम आगुन छ पैंतालिस टाकार नीचे को आलू नहीं तो एतटाई दाम बेसि जे मानुषेर खावा टोटाली बंद हो जाए। आलू व्यवसायी समिति की हड़ताल की वजह से बाजार में आलू की कीमत बढ़ती जा रही है। आलू की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बुधवार को आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल के ज्यादातर बाजारों में आलू का अकाल देखा गया। वहीं चंद्रमुखी आलू की कीमतें हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई हैं। कहीं कहीं बाजारों में आलू 40 से 50 रुपए के भाव बिक रहा है। ऐसे में बुधवार को राज्य सरकार की ओर से आलू व्यापारियों के साथ बैठक बुलाई गई है। व्यवसायियों ने कहा कि अगर बातचीत सार्थक रही तो वे हड़ताल वापस ले सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए आज से 100 सुफल बांग्ला स्टॉल बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आलू किसानों से आलू बॉन्ड खरीदने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, वहीं आलू की कीमत पर भी चर्चा हुई। उन्होंने पंचायत मंत्री प्रदीप मजुमदार और कृषि विपणन मंत्री बेजाराम मन्ना को पूरी स्थिति से निपटने के लिए पहल करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात से सख्ती से निपटा जाएगा, जब तक आलू की कीमत कम नहीं हो जाती तब तक आलू दूसरे राज्यों में नहीं भेजे जा सकते। वहीं राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को आलू की जमाखोरी रोकने तथा हिमघरों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आलू व्यापार संघों की हड़ताल के कारण मंगलवार से खुदरा बाजार में आलू की कीमत बढ़ने लगी है। बाजारों में आलू की आपूर्ति कम है। चंद्रमुखी आलू कई बाजारों में नहीं मिल रहा है, जबकि ज्योति आलू की कीमत भी बढ़ती जा रही है। आलू व्यापारियों की शिकायत है कि बाजार में आलू की आपूर्ति बढ़ाकर कीमत कम करने के लिए आलू से लदे ट्रकों को बिना किसी लिखित निर्देश के राज्य के विभिन्न सीमाओं पर रोका जा रहा है। इसके विरोध में वेस्ट बंगाल प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन और वेस्ट बंगाल हिमघर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दुर्गापुर के बाजार में जाकर देखा गया कि एक तो बाजार में आलू की सप्लाई कम है और आलू की मांग ज्यादा है, इसके ऊपर से आलू की कीमत भी काफी बढ़ गई है। आलू ही नहीं, यहाँ 45-40-50 ही बिक्री होती है, आलू ही नहीं। क्या नो? क्या नो पॉइंट? क्या नो पॉलिस्टो स्ट्राइक? সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন জনসাধারণ? বস্তা কত করে যাচ্ছে? বস্তার কোনো দাম, মালই নেই তো দাম কি করে হবে? না না, এমনি 1400 টাকা আমরা কিনছিলাম, 1400-1450 টাকা কিনছিলাম, আর এখন আলুই নেই, মহাজনের কাছে কোনো আলু নেই। তাহলে এবার দাম কত বলবো? আলু 45-40। আচ্ছা, আপনি হচ্ছে আলু আপনার 1700-1800 বস্তা? বস্তা আর কেজি? কেজি 40 টাকা বিক্রি করছি। কি কি আলু রয়েছে আপনার? জ্যোতি আছে, চন্দ্রমুখী আছে। দুটো আলু কি কি রেট চলছে? চন্দ্রমুখী 45 আর এটা জ্যোতিটা 40। হঠাৎ যে এটা দাম বেড়ে গেল কেন? এটা তো আমরা বলতে পারবো না, এটা স্টোর মালিক বলতে পারবে। স্ট্রাইক চলছে বলে, ধর্মঘট চলছে বলে, ধর্মঘট চলছে বলে এরকম হচ্ছে। ধর্মঘট মিটে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্রেতাদেরা কি আনছে, নিতে আসছে আলু? বাজার বাজার নেই। সাধন রুজ কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। आपके फैशन और लेटेस्ट स्टाइल का ऑथराइज्ड ठिकाना आसनसोल का सेंट्रल मॉल। सेंट्रल मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर लुई फिलिप, एलन सोली, वान ह्यूजेन, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, एरो, बीबार, रंगनीति, ओरिलिया और डब्ल्यू जैसे ब्रांड के शोरूम में लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलेंगे अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ। आपके त्योहार को और भी खास बनाने के लिए है अट्रैक्टिव ऑफर्स। लुई फिलिप ब्रांड पर बाय 3 गेट 6,
एलन सोली पर बाई 10 एट 1099, वान यूजैन पर बाई 3 गेट 7, फ्लाइंग मशीन, यूएस पोलो और एरो जैसे ब्रांड पर बाई 5 गेट 10 का आकर्षक ऑफर है। बीबा और रंगनीति ब्रांड के 6,500 रूपए की परचेजिंग पर 1,000 रूपए की भारी छूट। डब्ल्यू और ओरिलिया ब्रांड के 3,999 की परचेजिंग पर 1,499 का बैग पाए मुफ्त। तो चले आइए सेंट्रल मॉल सृष्टि नगर आसनसोल। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7384936654।